हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री राकेश, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप में से कुछ दोस्तों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि सर अबेकस के सिलेबस के बारे में बताएं, हम अबेकस में क्या क्या सिखाते हैं और बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, इस टॉपिक को कवर करें। तो मेरा आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, व्हाट इज सिलेबस ऑफ अबेकस। बट बिफोर स्टार्टिंग I want you to subscribe my channel so that you can get all my new updated videos regularly. अबेकस का जो लेवल है वो बेसिकली चार चीजों को कवर करता है। अबेकस आप कहीं से भी कर रहे हो, ये चार चीजें जो बेसिकली पूरे लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक कंप्लीट करते हैं वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इन सब के अलावा अगर कोई बच्चा और भी अबेकस अच्छा कर सकता है या कुछ सेंटर को और अच्छा करना चाहते हैं तो वो अबेकस के ऊपर स्क्वायर रूट, परसेंटेज, ये सारी चीज़ों कराते हैं। बट जब बच्चा स्क्वायर रूट या परसेंटेज करने के लायक होता है तो उसके लिए ये अबेकस पे करने से बेटर होता है कि वो इसको वैदिक मैथ्स के थ्रू करें। इसलिए पूरे जहाँ भी आपने अबेकस का कोर्स का सुना है या जहाँ भी आपने अबेकस कोर्स के बारे में पता लगाया है वो इन चार चीज़ों को बेसिकली कवर करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चा जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे लेवल क्रॉस करता जाता है, वैसे वैसे उसके सिलेबस में इन चीज़ों को ऐड और इंक्लूड करते जाते हैं। सपोज जैसे बच्चा स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट लेवल, तो अगर वो फर्स्ट लेवल में है तो सबसे पहले वो अबेकस का इंट्रोडक्शन देखता है, उसको सीखता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखता है सेकेंड लेवल में, फिर वो इन सब चीज़ों को थोड़ा क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाता है, बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करता है बट थोड़े टफ। थर्ड लेवल में क्वेश्चन थोड़े और टफ हो जाते हैं, उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर फोर्थ लेवल में अगेन मल्टीप्लिकेशन और सारे क्वेश्चन थोड़े और बड़े हो जाते हैं, और टफ हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल में इसको डिविजन होता है, फिर एक लेवल में ऐसा आता है जब चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसके साथ साथ हर लेवल पे बच्चा मेंटल अपना ग्रोथ करता जाता है, मतलब मेंटल कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाता जाता है। तो बेसिकली अबेकस का सिलेबस ही चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। उसके बाद बताया आपको एडवांस में सेम चीज़ें हैं, कुछ सेंटर कराते हैं, कुछ नहीं कराते, कुछ कराते हैं तो वो इसको एडवांस अबेकस बोलते हैं, कुछ नहीं कराते तो वो अपना इस फोर चीज़ों को ही बोलते हैं कि आपका अबेकस का लेवल कंप्लीट हो गया है। वैसे आप मेरी बात माने तो ये चार चीज़ें ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशियंट है, क्योंकि इसके बाद का जो चीज़ें लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके लिए कोई मतलब का नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते व्हाट इज स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज क्यूब रूट। तो इससे बेटर है कि आप इन चार चीज़ों को ही उनको सिखाएं। और अगर बच्चा एडवांस अबेकस करने के लायक है, मतलब अगर वो बिगिनर क्लास में है, तो वो अबेकस से ना करके वो इन चीज़ों को वैदिक मैथ से सीखता है और वैदिक मैथ उससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने अभी एक नया लेवल स्टार्ट किया है, दैट इज जीरो लेवल। ये लेवल ऐसा लेवल है जिन पेरेंट्स को डाउट होता है उनके बच्चे अबेकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, घर में उसको अबेकस सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए, क्या उसको सेंटर में एडमिशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे पेरेंट्स को कुछ डाउट्स होता है तो मेरा ही सजेशन है, मेरा ही, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जीरो लेवल की बुक घर पर मंगाइए, बच्चों को उससे खुद आप बहुत ईजी है, खुद से उसको सिखा सकते हैं, वो सिखाइए। अगर बच्चा जीरो लेवल कम्प्लीट कर लेता है इट मीन्स कि वो आगे के लेवल करने के लायक है, तो आप जस्ट इन्वेस्टिंग 200 रुपीज आप जीरो लेवल की पूरी सेट मिल जाएगी आपको, और आप इससे ये पता कर लेंगे कि आपका बच्चा आगे सीखने के लायक है कि नहीं है, अभी उस चीज़ के लिए तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। आई होप मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।